हाय दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में टर्म टू में आने वाला फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा विथ प्रूफ कि इन सभी क्वेश्चनों के आने के चांसेस टर्म टू में है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चन लाए हूँ आपके लिए तो दोस्तों प्रूफ ये है कि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा है तो उनमें से कुछ क्वेश्चन मुझे इस चैप्टर के ऐसे दिखे हैं जो रिपीट हो जाते थे अगर एक साल नहीं हुए तो अगले साल हो गए तो उसके अगले साल हो गए उस साल नहीं हुए तो उसके अगले साल हो गए तो इस तरह के क्वेश्चन लाए हैं और कुछ क्वेश्चन हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट होते हैं अपने टीचर से या किसी से सुनते होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस तरह के भी क्वेश्चन लाए हैं तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लाए हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इस चैप्टर से तो आइए बढ़ते हैं कि आखिर ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं तो दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट है वाई डू नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर दोस्तों पहला ही क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी बुक में पाएंगे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत बार आ चुका है कि दो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन क्यों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता तो दोस्तों इसका रीज़न बहुत ही आसान है आप इसका आंसर देख लीजिएगा और देख लीजिए और पढ़ लीजिए दोस्तों मैं आंसर नहीं रिपीट करूँगा अगर आंसर रिपीट करने लगा तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी और मैं नहीं चाहता आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पुश करके राइट कर लीजिएगा इस आंसर को किसी नोट में और समझ लीजिए और दोस्तों जो ना समझ ना में आए मुझे कमेंट में बताइए मैं आपको समझा दूंगा तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है राइट टू वे टू इंड्यूस करेंट इन अल तो इसका भी आंसर आपको गिवेन है वीडियो पूछ करके आप राइट कर लीजिए और जो ना समझ में आए कमेंट में बताइए तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है नेम एंड स्टेट रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो इसे इसे भी आप राइट कर लीजिएगा वीडियो को पूछ करके तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए इसका वो भी ले आया हूँ फिगर भी कि आपको फिगर से आप समझ जाएं तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक एप एलियंस लाइक इलेक्ट्रिक प्रेस स्टोर टैच फैंस ई आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक मेन्स थ्रू थ्री पिन प्लग वाई तो दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें कि टर्म टू में टू थ्री और फोर मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए मैं इसी तरह का क्वेश्चन लाया हूँ वन वर्ड के क्वेश्चन नहीं लाया हूँ तो दोस्तों जितने क्वेश्चन लाया लाए सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइए बढ़ते हैं आंसर आप इस आ, इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और राइट कर लीजिए तो तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव है वेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी बहुत ही बार रिपीट हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है आप समझ लीजिए आंसर को देख के और दोस्तों जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इसमें आप जरूरी नहीं कि जो जो इसका मैंने आंसर लाया वही आप लिखें अगर आप इसे समझ गए हैं तो अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं आपको तब भी फुल मार्क मिलेगा अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे तो तो दोस्तों क्वेश्चन सिक्स है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर व्हाई इज इफ नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक कॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एपेलियंस तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे भी आप देख लीजिए इसका भी आंसर और समझ लीजिए वीडियो को पूछ करके आप राइट कर लीजिएगा तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन है वाट इज ए सोलोनाइड ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द करंट कैरिंग सोलोनाइड तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे उस तो उसमें आप देखेंगे कि इसका भी एक टॉपिक ही है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों सोलोनाइड वाला तो इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा और राइट कर लीजिएगा तो फिगर देख लीजिए दोस्तों सोलोनाइट का तो आ, इसका आंसर भी आप देख लीजिए तो क्वेश्चन एट की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन एट है व्हाट इज द स्टैंडर्ड कलर कोड फॉलो फॉलो फॉर तो पहला है लाइव दूसरा है न्यूट्रल एंड तीसरा है अर्थ वायर यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे भी आप याद कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपको टू मार्क में मिल जाएंगे तो इसका इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन है विच पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक एप एलियंस इज अर्थ एंड तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको गिवन है तो ये दोस्तों एक कलर वाला कलर कोड जो है इसे आप अच्छे से समझ याद कर लीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आ सकता है तो दोस्तों उसका आंसर बी का भी यहाँ पर आपको मतलब क्वेश्चन बी का आंसर है इसे भी देख लीजिए और समझ लीजिए तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन नाइन है डिफाइन इलेक्ट्रो इंडक्शन टू सर्कुलर कॉइन ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इफ द करेंट इन द कॉइल ए इज चेंज विल सम करेंट बी इंड्यूज इन द कॉइल बी एक्सप्लेन तो दोस्तों ये इलेक्ट्रोमेटिक इंडक्शन भी एक अपना एक अलग ही टॉपिक है तो इसे भी अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो देखे होंगे ये भी इसका एक अलग टॉपिक है तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसे भी आप समझ लीजिएगा तो इस दोस्तों इसका भी आंसर आपको गिवन है वीडियो को पुश करके आप राइट कर लीजिएगा यहाँ पर आपके लिए फिगर भी गिवन है कि आप फिगर से भी समझ जाएँ तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैगनेटिक मैग्नेटिक लाइंस फोर्स का जो है उसका प्रॉपर्टी बताना है तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं तो एकदम मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा भी नहीं प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर से अगर ये सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है स्टेट फेल्विंग लेफ्ट हैंड रूल तो दोस्तों फेल्विंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है इसे आप समझाना है तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आप देखेंगे इसका भी एक अलग ही टॉपिक है इस क्वेश्चन का भी तो वैसे ये बहुत ही आसान है फेल्विंग लेफ्ट हैंड रूल इसे आप समझा सकते हैं तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप राइट कर लीजिएगा और दोस्तों आप एक सेपरेट नोट बना लीजिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप एक सेपरेट नोट बना लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाऊंगा तो इसीलिए आप एक सेपरेट नोट बना लीजिए और उसी में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट करिए पेपर के समय रिवाइज करने में आसानी होगी तो क्वेश्चन ट्वेल्व है करेंट टाइम ग्राफ फॉर टू डिफरेंट सोर्स एज शो इन द फिगर तो दोस्तों इसमें सब आपको फाइव मार्क क्वेश्चन ये सब हैं जितने अभी इधर हैं तो इसे भी आप देख लीजिए यहाँ पर आपको फिगर गिवन है इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन क्या है टाइप ऑफ करेंट सो सोर्स ऑफ सो बाई एंड बी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ करेंट इन केस बी तो इसका भी आंसर आप सभी को गिवन है राइट कर लीजिएगा तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टीन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम तो डायग्राम भी आपको इसमें समझाना है तो दोस्तों डायग्राम आपको नीचे मिल जाएगा इसका आंसर आप वीडियो को पूछ करके राइट कर लीजिएगा तो वीडियो को पूछ करके राइट कर लीजिए तो समझ सकता हूँ दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन मैं इसलिए नहीं आंसर रिपीट करता हूँ बोलता हूँ कि अगर आंसर बोलने लगूंगा तो आंसर बहुत बड़े बड़े हैं आप वीडियो पूछ करके भी समझ सकते हैं ये जो आंसर हैं इस मतलब कि छोटे छोटे वर्डों में थोड़े आसान हैं आपको समझ में आ जाएंगे अगर मैं आंसर बोलने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी और मैं नहीं चाहता आपको प्रॉब्लम है तो दोस्तों यहाँ भी आपको यहाँ आपको फिगर गिवन आप फिगर से समझ लीजिए तो क्वेश्चन फोर्टीन है ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर तो दोस्तों आंसर देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक like कर दीजिए इस समय मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा हर वीडियो का तो आप सबसे पहले वीडियो देख देख सकेंगे तो आइए आंसर आपको दिखा देते हैं यहाँ पर आप फिगर गिवन है तो यहाँ पर इसका सभी प्रिंसिपल क्या है सब वो गिवन है और यहाँ पर नीचे आपका इसका वर्किंग भी गिवन है तो इसे भी आप वीडियो को पूछ करके राइट कर लीजिएगा तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन फिफ्टीन है लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अंडर लेइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग लेबल डायग्राम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस तो इसका भी आपका डायग्राम गिवन है ब्रशेग्राम पर इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आएंगे तो इस जितने क्वेश्चन अगर आप सभी तैयार कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका इसका वर्किंग इसका भी गिवन है और दोस्तों जो ना समझ में आए आंसर में आप कमेंट में बताइए मैं आपको समझा दूंगा तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी, भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं उन्हें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको इतन, बस दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो